हेलो डियर स्टूडेंट्स मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर प्रणय कुमार और आप देख रहे हैं ज्ञानोदय कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को इंग्लिश का जो ऑब्जेक्टिव हमने लिया था क्लास एलेवंथ के लिए उसे डील करने जा रहा हूं चूँकि आप कोई भी स्टूडेंट हों चाहे आप ऑनलाइन के बैचेस के हों चाहे ऑफलाइन बैचेज के हों चाहे आप एलेवेंथ में हों या ट्वेल्थ में हों या ग्रेजुएसन से हों कोई भी हो अगर आप इंग्लिश का ऑब्जेक्टिव प्रिपरेशन करना चाहते हैं आप चाहते हैं कि कुछ ऑब्जेक्टिव्स को देखा जाए अपने आप को आंकना चाहते हैं तो इस वीडियो के साथ बने रहिए क्योंकि हम लोग यहाँ पर प्रीपोजिशन को भी देखेंगे और कुछ टेंसेस को भी देखेंगे कुछ आर्टिकल को भी देखेंगे और साथ ही साथ ट्रांसलेशन को भी ये जो हमारा टेस्ट है ये हमने एलेवेंथ में ऑफलाइन लाइन में हमने लिया था और उसी का जो है ना ये पार्ट है उसी का पी है अगर जो स्टूडेंट ऑफलाइन बैचेस के देख रहे हैं वो यहाँ से मिलाते चलेंगे इसे देखिए इस क्वेश्चन को दो भागों में हमने बांट दिया था तो चलिए देखते हैं क्या रहा है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश तो इसमें आ, जो है ना विद्यार्थियों को दो अंक मिलेंगे जिसमें कि टोटल दस मार्क्स दिए जा रहे थे तो पहला जो कह रहा है कि मैं केक खाना चाहता हूँ तो डी स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों को बताया था कि जब दो भर हो जैसे यहाँ पर खाना भी है और चाहना भी है, तो जो पहला भर्व होगा उसे पहले रखेंगे और जो दूसरा भर्व होगा उसे बाद में रखेंगे लेकिन इसे टू के साथ जोड़ा जाएगा तो मैं केक खाना चाहता हूँ के लिए सबसे पहले तो आई और चाहना का क्या होता है वांट तो आप लिखेंगे आई वांट टू ईट आप लिखने आई वांट टू ईट अ केक आप केक खाना चाहते हैं मैं केक खाना चाहता हूँ तो आई वांट मैं चाहता हूँ टू ईट ए केक मैं केक खाना चाहता हूँ अगला कह रहा है कि क्या वह पटना से आ रही है तो वह पटना से आ रही है उसी में इंट्रोगेटिव मार्क लगाया हुआ है तो इंट्रोगेटिव में हम लोग क्या करते हैं हेल्पिंग वर्ब को आगे रख देते हैं इज सी कमिंग आना का क्या हो जाएगा कम में बिफोर लगा देंगे कमिंग अब यहाँ पर हमें देखना होगा कि पटना से तो जब जुदाई होती है तो किसका प्रयोग करते हैं फ्रॉम का फ्रॉम पटना तो यहाँ पर जो राइट right आंसर हो जाएगा वो क्या होगा सी कमिंग फ्रॉम पटना वह बाज़ार नहीं गया है तो वह बाजार गया है उसी में लगा हुआ है क्या नेगेटिव वर्ड तो वह बाज़ार नहीं गया है को कैसे बनाएंगे उस नेगेटिव वर्ड को हमें रखना पड़ेगा तो वह के लिए क्या लिखेंगे ही अब गया है ये तो परफेक्ट का है तो ही के साथ क्या लगाएंगे हैज़ जाना का क्या हो जाएगा भी थ्री गॉन टू मार्केट इसी तरह अगला क्वेश्चन जो कह रहा है कि मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ तो यहाँ पर जो पढ़ने का जो कार्यक्रम चल रहा है वो सुबह से ही चल रहा है तो ये प्रजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का है तो मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ लिए क्या लिखेंगे पहले तो लिखेंगे आई आई के साथ क्या हेल्पिंग भर होगा हैव बीन आई हैव बीन रीडिंग यानी कि मैं पढ़ रहा हूँ अब सुबह से के लिए किस प्रीपोजिशन uh, का प्रयोग करेंगे वो होगा सिंस वन पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं सिंस मॉर्निंग सिंस मॉर्निंग आई हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग इसका प्रयोग करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वह लाल कलम से पत्र लिख रही है तो वह लिख रही है तो सी सबसे पहले तो सी इज राइटिंग सी इज राइटिंग अब क्या लिख रही है भाई ए लेटर सी इज़ राइटिंग ए लेटर अब कोई भी कलम से लिख रहा हो किसी इंस्ट्रूमेंट से लिख रहा हो तो उसका किसका प्रयोग करेंगे हम लोग इसके साथ विथ का प्रयोग करना पड़ेगा ठीक है डियर स्टूडेंट्स तो ये हमारा तो ट्रांसलेशन एक्टिविटी था ये काफ़ी इंपॉर्टेंट तो है ही आप लोग लगातार ट्रांसलेशन बनाते रहिए खुद से ही अगला हम लोग अब आते हैं जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है अब यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन गौर से इसको समझते चलेंगे पहला क्वेश्चन कह रहा है ही हैज़ बीन रीडिंग डैश डैश टेन ईयर्स ये सेम टू सेम वही वाला है जो मैंने ट्वेल्थ के एग्ज़ाम में टेस्ट uh, में पूछा था तो एक क्वेश्चन वहाँ से लिया गया है क्यों क्योंकि यहाँ पर आपको सिंस और फोर में चयन करना है तो दस साल के लिए कर रहा है तो किसका प्रयोग करेंगे फोर का प्रयोग करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डज ही नॉट डैश 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 तो जैसे ही हमने डज देखा तो ये क्या है प्रजेंट इंडिफिनिट का है तो याद रखिएगा यहाँ पर पहले ही सिंगुलर का प्रयोग किया गया है और सब्जेक्ट भी क्या है सिंगुलर तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर मिल गया है अब आने वाली क्रिया का पहला रूप होगा भी वन होगा तो ये तो भी फाइव है नहीं होगा रीडिंग नहीं होगा नन का ऑप्शंस दिया है लेकिन रीड ऑप्शंस में है तो आंसर बी राइट होगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आए तो कह रहा ही डैश डैश टू प्ले द मैच अब यहाँ पर कह रहा ही और यहाँ पर वांट के सभी रूपों को रखा गया है तो सबसे पहली बात कि जो सिंगुलर है उसके साथ सिंगुलर के साथ सिंगुलर भर्व रखेंगे तो ये जो वांट है ये प्लूरल है वांटिंग नहीं होता नन का ऑप्शन है लेकिन फिलहाल आंसर ए होगा क्योंकि ये वांट्स लगा हुआ है यानी कि सिंगुलर के साथ सिंगुलर भर्व तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ही वांट्स टू प्ले द मैच वह मैच खेलना चाहता है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आए तो कह रहा है कि द सन डैश डैश लाइट ये भी सेम टू सेम ट्वेल्थ की तरह जो क्वेश्चन था वैसा ही क्वेश्चन है तो सूरज क्या देता है सूरज प्रकाश देता है तो यहाँ पर गिव के सारे रूपों को रखा गया है तो ये हमारा आंसर जो होगा वो बी होगा क्योंकि यहाँ पर सन सिंगुलर है और सिंगुलर के लिए सिंगुलर भर लगाना पड़ेगा अगर आप और भी ऑब्जेक्टिव के सीरीज को देखना चाहते हैं तो एक बार प्ले जरूर चेक कर लीजिएगा क्योंकि बहुत सारे ऑब्जेक्ट उनमें डील करवा दिए हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आए तो कह रहा है आई एम गोइंग टू बाय डैश डैश हारमोनियम मैं हारमोनियम खरीदने जा रहा हूं तो याद रखिएगा सभी वाद्य यंत्रों के पहले द का प्रयोग किया जाता है तो हारमोनिया क्या है एक यंत्र है एक बजाने वाला चीज़ है उसके पहले किसका प्रयोग करेंगे द का प्रयोग करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स हमेशा इस चीज़ को याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है और बहुत बार आपके फाइनल एग्जाम में भी पूछ देता है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आए तो कह रहा है सी हैज़ बीन रीडिंग डैश डैश बुक्स सिंस चाइल्डहुड अब देखिए यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे आर्टिकल का प्रयोग किया गया है याद रखिएगा कि प्लुरल नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है ना तो ए ना तो एन ना ही द किसका प्रयोग अगर नन है ऑप्शंस में तो नन का प्रयोग कर देंगे लेकिन अगर उसी किताब के बारे में कुछ और भी जानकारी होती कि कौन सी किताब पढ़ रही है तब आंसर सी हो सकता था द का प्रयोग किया जा सकता था लेकिन जब ऑप्शंस में नन है तो नन को चुना जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आए तो कह रहा है राजू जी एंड हिज टू सन्स डैश डैश गोइंग टू दिल्ली हमने जो ट्वेल्थ वाले जो आ, सेशन में हमने देखा था कि राजू जी और विथ लगा हुआ था तब तो हमने सिंगुलर लगाया लेकिन यहाँ एंड के साथ जुड़ा हुआ है तो ये प्लूरल हो गया क्योंकि दो बेटे यहाँ पर और एक राजू जी टोटल तीन लोग हो गए और तीन लोग प्लूरल हुए प्लूरल के साथ प्लुरल भर लगाते हैं तो हैव भी प्लूरल और आर भी प्लूरल तो हैव का प्रयोग तब करते जब इसके बाद भी होता लेकिन यहाँ पर आर का प्रयोग करेंगे क्योंकि इसके बाद भी फोर आ रहा है तो राइट आंसर क्या हो जा राइट आंसर आर होगा यहाँ पर आंसर डी राइट होगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आए तो कह रहा है सी डैश डैश बीन absent सिंस मंडे तो यहाँ पर सी के बाद क्या लगेगा यहाँ पर बीन लगा हुआ है तो जाहिर सी बात है हैज़ का प्रयोग होगा इसका नहीं होगा हैव हैज़ में किसको चुनेंगे क्योंकि यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है सी के साथ हैज का प्रयोग करते हैं तो राइट आंसर ए होगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आए तो कह रहा है रोहन एंड अफजल डैश डैश टू प्ले म्यूजिक अब रोहन और अफजल म्यूजिक प्ले करना चाहता है तो अब चाहने का जो रूप है वांटिंग तो होगा ही नहीं वांट और वांट्स दोनों में क्या होगा देखिए वांट्स नहीं होगा इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये हमारा जो है ना सिंगुलर हो गया भर्व और रोहन और अफजल टोटल दो व्यक्ति हैं प्लूरल हुआ प्लूरल के साथ प्लूरल भर्व तो यहाँ पर वांट आंसर सही होगा आंसर बी राइट होगा चलिए अब आगे चलते हैं और भी ऑब्जेक्टिव को हमें डील करना है देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं तो यहाँ पर अब आपका प्रिपोजिशन स्टार्ट हो गया ही वॉज सिटिंग डैश डैश द डेस्क। अब देखिए डेस्क है क्या इन होगा या इन टू होगा या ऑन होगा या एव होगा याद रखिएगा कभी भी बेंच में घुस के नहीं हम लोग बैठते हैं तो ये इन नहीं हो सकता कभी भी बेंच में गति के साथ नहीं घुसते तो इंटू नहीं होगा एवव का प्रयोग कैसे करेंगे कि बेंच यहाँ पर रखा वगैरह हम लोग क्या हवा में क्या झूले हुए हैं तो इसका भी प्रयोग नहीं होगा यहाँ पर राइट आंसर सी होगा कि बेंच के ऊपर हम लोग जो है ना बैठे हुए हैं यानी कि वह बैठा हुआ है तो ऑन का प्रयोग करेंगे जब उसके सतह पर रखी हुई वो कोई चीज़ें स्पर्श में हो तो ऑन का प्रयोग करते हैं ये हमने थ्योरी में बता दिया आप देखना चाहें तो ग्रामर के प्ले में देख सकते हैं प्रिपोजिशन का पूरा हमने चैप्टर पढ़ाया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आए तो कह रहा है देयर इज फ्रेंडशिप डैश डैश अफजल एंड अफसर पर कहा जा रहा है कि फ्रेंडशिप है अफजल और अफसर के बीच में तो जाहिर सी बात है बीच में के लिए बिटवीन का भी प्रयोग करते हैं और अमंग का भी प्रयोग करते हैं तो जब दो व्यक्तियों के बीच की बात हो रही हो दो चीज कोई हो और उसके बीच की बात हो रही हो तो बिटवीन का प्रयोग करते हैं यहाँ पर अफजल और अफसर दो लोग हैं दोनों के बीच अगर दोस्ती है तो किसका प्रयोग किया जाएगा यहाँ पर बिटवीन का प्रयोग करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आए तो कह रहा है वी डैश डैश क्रिकेट विथ आवर फ्रेंड्स अब यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर हम लोग देखेंगे हैव हैज़ है जाहिर सी बात हमें कैसे छाटना होगा ऑप्शंस को हैज़ नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर तो वी है हैव प्ले नहीं होगा क्योंकि ये हमारा भी थ्री नहीं है यहाँ पर राइट आंसर ए हो जाएगा हैव प्लेड क्यों क्योंकि यहाँ पर भी थ्री भी मिल रहा हैव हैज़ भी मिल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आई एम कमिंग डैश डैश पटना यस्टरडे तो यहाँ पर किस प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा जब पटना से आ रहा है तो जुदाई हो रही है तो राइट आंसर डी हो जाएगा फ्रॉम पटना ठीक है तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आए तो कह रहा है कि रानी इज सिंगिंग डैश डैश हर क्लास फ्रेंड्स एंड टीचर्स रानी जो है ना गा रही है किसके बीच में क्योंकि यहाँ पर बीच में का बात हो रहा है क्लास फ्रेंड्स और टीचर के बीच में तो इन तो नहीं होगा क्यों नहीं होगा बता रहा हूँ ऑन भी नहीं होगा क्यों नहीं होगा बता रहा हूँ क्योंकि ऑप्शंस में बिटवीन एन अमंग दिया गया है तो जाहिर सी बात है बीच में का सेंस निकाल रहा है ये अब सेंस जब निकाल रहा है तो जाहिर सी बात है कि बिटवीन नहीं होगा क्योंकि दो व्यक्तियों के बीच की बात नहीं हो रही यहाँ पर फ्रेंड्स भी हैं टीचर्स भी हैं बहुत सारे लोग हैं तो अमंग का यहाँ पर जो है ना राइट आंसर सी हो जाएगा अमंग का प्रयोग करेंगे क्योंकि दो व्यक्तियों से ज्यादा की बात हो रही है यहाँ पर उसके बीच की बातों को दर्शाना हो तो किसका प्रयोग करेंगे एमंग का? नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है कि राम हैजैश डैश द रिवर मैं थोड़ा इसे जूम कर देता हूँ देखिए मैंने जूम कर दिया आप लोगों के लिए तो राम हैज राम ने क्या कर दिया जंप कर दिया द रिवर किसमें रिवर में जंप किया याद रखिएगा जब गति के साथ अगर जंप कर रहा है किसी सीमा रेखा में जा रहा है तो इन का प्रयोग करेंगे तो राइट आंसर बी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रानी इज राइटिंग ए लेटर डैश डैश ए पेन एक कलम से लिख रही है तो किसका प्रयोग करेंगे विथ का प्रयोग करेंगे यहाँ पर बाय का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि पूरे के पूरे मानव के द्वारा संपादित ये कार्य नहीं हो रहा है एक इंस्ट्रूमेंट के द्वारा हो रहा है तो यहाँ पर जो राइट right आंसर हो जाएगा वो होगा विथ ठीक है डियर स्टूडेंट्स चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि दिस टास्क हैज बीन डन डैश डैश करण एंड कुनाल ये जो टास्क है वो करण एंड कुनाल के द्वारा किया गया है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जो है ना मानव के द्वारा कोई चीज़ संपादित हुआ है तो विथ का नहीं वहाँ पर बाय का प्रयोग करना होगा और बिटवीन या अमंग का प्रयोग क्यों नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर बीच में का सेंस नहीं निकल रहा है ऑप्शंस में बाय है तो बाय का प्रयोग करेंगे क्योंकि इसके द्वारा किया गया कार्य है ये नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आए तो कह रहा है देयर इज सम गर्ल्स एंड बॉयज़ डैश डैश द क्लास रूम कुछ जो है ना लड़कियां और लड़के हैं क्लास रूम में जब क्लास रूम में हैं किसी सीमा रेखा में पहले से मौजूद हैं तो इनका प्रयोग करेंगे राइट आंसर ए हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आए तो कह रहा है रेड पेन इज डैश डैश माई पॉकेट लाल कलम है मेरे पॉकेट में तो यहाँ पर भी राइट आंसर क्या हो जाएगा इन होगा क्योंकि गति की कोई बात नहीं हो रही ऑन का प्रयोग कैसे करेंगे किसी के ऊपर तो कुछ है नहीं एभव का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि उसके ऊपर नहीं है तो राइट आंसर क्या होगा ए हो जाएगा चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है शार्प द पेंसिल डैश डैश ए ब्लेड जब भी किसी चीज से कर रहा हो कोई काम तो विथ का प्रयोग करेंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा राइट आंसर ए हो जाएगा उसने ब्लेड से पेंसिल को शार्प किया छीला यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन द गंगा फ्लोज डैश डैश द ब्रिज गंगा जो है ना बहती है ब्रिज के कहाँ से एभब से तो बिल्कुल नहीं बहुत स्टूडेंट ने एभब लगा दिया था तो यहाँ पर अंडर का प्रयोग करेंगे कि नीचे से गंगा बहती है ठीक है तो यहाँ पर राइट आंसर डी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डिवाइड द एप्पल्स डैश डैश विकास एंड निखिल विकास और निखिल के बीच सेब को बांटना है यहाँ पर दो ही व्यक्तियों की बात हो रही है तो यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे बी आंसर सही होगा राइट आंसर बी होगा बिटवीन क्योंकि दो चीज़ों के बीच की बात अगर दर्शाना हो तो बिटवीन का प्रयोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आए तो कह रहा है कि द सन इज साइनिंग डैश डैश द स्काय तो यहाँ पर सन इज शाइनिंग इन द स्काय राइट आंसर ए होगा क्योंकि वह भी एक आधारभूत एक जो है ना सीमा रेखा है आकाश का उसमें सूरज चमकता है चमक रहा है जो भी सेंटेंस में है तो यहाँ पर राइट आंसर ए हो जाएगा इन टू तो होगा ही नहीं ऑन नहीं ए बब नहीं तो मुझे उम्मीद है कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा इस प्रकार के ऑब्जेक्टिव करके आपको प्रिपरेशन में मज़ा आता है अगर ऐसे ही वीडियोस और चाहते हैं तो नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कुछ भी प्रतिक्रिया और अगर वीडियो आपके हेल्प में आया है तो इसे लाइक और शेयर तो कीजिएगा ही साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे फिलहाल के लिए इतना ही मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में